उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने पर विचार कर रही है, क्योंकि देश में तेजी से बढ़ती जनसंख्या किसी बड़े खतरे से कम नहीं है, जिसको ध्यान में रखते हुए सरकार बड़े कदम उठा रही है। इसी बीच जनसंख्या नियंत्रण को लेकर एक सभा के दौरान सीएम योगी ने जहां इशारों इशारों में हिंदुओं को आगाह किया, तो वहीं मुस्लिम समुदाय को चेतावनी भी दे डाली। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति भी पैदा ना हो, इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाए। उनका कहने का मतलब था कि कहीं ऐसा ना हो कि मूल निवासी की जनसंख्या कम हो जाए और किसी एक वर्ग की आबादी बढ़ती चली जाए, जिससे अराजकता फैलने का खतरा बढ़ जाए। जब हम परिवार नियोजन की बात और जनसंख्या स्थिरीकरण की बात करते हैं, तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति भी न पैदा होने पाए। ऐसा नहीं कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड, उनका प्रतिशत ज्यादा हो और कुछ जो मूल निवासी हो उन लोगों की आबादी के स्थिरीकरण में हम लोग जागरूकता के माध्यम से, इन्फोर्समेंट के माध्यम से उसको नियंत्रित करके जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा करें। और यह एक चिंता का विषय है हर एक उस देश के लिए जहां पे जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा होती है, जनसांख्यिकीय संतुलन की स्थिति पैदा होती है, रिलीजियस डेमोक्रेसी पर इसका विपरीत असर पड़ता है, फिर वहां पर एक समय के बाद अव्यवस्था और अराजकता जन्म लेने लगती है। और इसलिए जब हम लोग जनसंख्या स्थिरीकरण की बात करें तो समान रूप से समाज में प्रत्येक जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा, इन सबसे ऊपर उठ करके समान रूप से जागरूकता के व्यापक कार्यक्रम को इसके साथ जोड़े जाने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी ट्वीट के मुताबिक सीएम योगी ने कहा कि अगर हमारे पास कुशल श्रम शक्ति है तो ये समाज के लिए एक उपलब्धि है, लेकिन जहां बीमारी, अव्यवस्था, पर्याप्त संसाधनों का अभाव हो, वहां जनसंख्या विस्फोट अपने आप में एक चुनौती है। योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश आबादी के लिहाज से देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और आशा बहने, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत समेत अन्य प्रतिनिधि गण व शिक्षक गण स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम को और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। उन्होंने इस दिशा में सामूहिक प्रयास करने की भी सलाह दी है, जिससे कि ये देश इस बड़ी मुसीबत से बच सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।